ने जब प्रदर्शन किया कि हमें अपना वेतन मिलना चाहिए, तो उन्हें पीट कर जेल में डाल दिया गया। उन पर राष्ट्र सुरक्षा कानून डाला गया कि आप देशद्रोही हो। अब बताइए, एक अध्यापक ने अपना वेतन मांगा, उसका अधिकार है ना, तो वो देशद्रोही कैसे बन गया? किसानों से मिली, किसान दिल्ली तक गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, हजारों की तादाद में गए, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, पंजाब से, हर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, प्रधानमंत्री मिले तक नहीं उनसे, बल्कि मध्य प्रदेश में उन पर गोलियां बरसाई गई। तो जब आप प्रदर्शन करते हैं, जब आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो आज की सरकार आपकी आवाज को दबाती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि डरती है आपकी शक्ति से, क्योंकि उनको मालूम है कि 5 सालों में जितने भी वचन उन्होंने किए थे, एक भी वचन उन्होंने पूरा नहीं किया। तो जानती है कि अब समय आ गया है चुनाव का, तो जनता पूछेगी। जनता के सवालों का जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि बड़ी बड़ी आशाएं, बड़ी बड़ी उम्मीद बनाई थी इन्होंने, बहुत भारी बहुमत से जीते थे, अपनी जो केंद्र सरकार बनाई बहुत मजबूती से इन्होंने बनाई, लेकिन एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता की भलाई हो, सिर्फ प्रचार ही प्रचार किया है। मैं उतरी उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कुछ नारे लगाए। जैसे ही उन्होंने गलत तरह के नारे लगाए, मैंने उनको रोका और कहा, बेटा ये वाले नहीं, अच्छे अच्छे नारे लगाओ। और ठीक है, नोटिस है तो नोटिस के लिए मैं पूरा वीडियो पेश किया गया आपके खिलाफ, और वही सफेदों को लेकर जो है उसको लेकर एलिमेंट वैसे बोर्ड को नोटिस दिया। चुनाव का समय है, जो जनता की समस्याएं हैं उनके बारे में बात करें, जो सपेरों के बारे में या सपेरों की समस्याएं हैं तो उनको रेज करिए जी, है कि नहीं, तो ये फजूल की बात है।